हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी एलपी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनली एक और जोन का जो ज्वाइनिंग लेटर आज आ चुका है। ये जो ज्वाइनिंग लेटर आया है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे का आया है और यहाँ के स्टूडेंट की ज्वाइनिंग जो है वो 20 सितम्बर से स्टार्ट हो रही है। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ईस्ट कोस्ट रेलवे में वो संबलपुर डिवीज़न के अंदर आया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए ताकि आपको ख्याल हो जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जानी है और अटेस्टेशन फॉर्म के कितनी प्रिंट आपको लेके जानी है, सारी जानकारी दूंगा। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलते ऑफिशियल ऑफर लेटर के तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है पूर्व तट रेलवे यानी ईस्ट कोस्टल रेलवे का कॉल लेटर है और वो भी संबलपुर डिवीज़न में। आपको जूम करके दिखा दूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड संबलपुर डिवीज़न का है ये जो है पोस्ट के माध्यम से स्टूडेंट को आया है। इनका नाम और रोल नंबर मैंने प्राइवेसी के रिगार्डिंग छुपा दिया है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया है। तो फ्रेंड देख लेते हैं ऑफिशियल कॉल लेटर में क्या लिखा गया है ऑफर लेटर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट से भेजा है ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर संबलपुर। और इनका जो है कॉल लेटर 31/8/2019 को पोस्ट हो चुका था। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं प्रोविजनल टेम्पररी अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनी इन पे ब्रांड 1 विथ ग्रेड पे इतने से इतना 7 CPC। और पहले पैराग्राफ में बताया फ्रेंड्स कि आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट और जो जितने भी सर्टिफिकेट देखने के बाद जो आपको एज ए ट्रेनिंग के रूप में ये जॉब दे दी जाएगी। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको बताए हैं कि इन मस्ट बी क्लियर अंडरस्टूड दैट द एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी फ्रेंड दूसरी पैराग्राफ में आपको बताया दिया गया है कि अगर आप कुछ भी मिसबिहेव करते हो ट्रेनिंग के दौरान तो आपको तत्काल निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो है ज्वाइनिंग जो है फ्रेंड्स आपकी वो यहाँ पर मैंशन की गई है कि आपको जो है 20/9/2019 तक संबलपुर पहुंच जाना है। अगर आप उससे पहले भी आ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 20/9/2019 के बाद में आता हो तो आपका जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा जानकारी दी गई है। और ऐसा भी बताया गया है कि फ्रेंड्स आपको जो है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो एक पोस्ट के अंदर आएगा उसकी दो दो प्रिंट आपको निकाल लेनी है और जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी भी दो प्रिंट आपको निकाल लेनी है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक जो है अटेस्टेशन फॉर्म पर आपको ग्रेजुएट ऑफिसर के जो है स्टेट या सेंट्रल के जो होंगे उनके सिग्नेचर लेने होंगे और दूसरे पे आपको प्रीवियस की ईयर के अंदर जो भी स्कूल या कॉलेज में आपने एजुकेशन लिया होगा वहाँ के प्रिंसिपल या मजिस्ट्रेट से आपको साइनमेंट करानी होगी। उसके बाद जो है उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से भी आपको साइन करानी होगी। इसके अलावा बता दिया गया कि आपको कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के आने के दरमियान। और जो है आपको 20 तारीख को संबलपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर डिवीज़न में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट ईस्ट कोस्ट रेलवे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।